शहीदी दिवस के मौके पर आज देश ने किया शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अमर क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 36 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तो संबित पात्रा पुरी से लड़ेंगे चुनाव। जस्टिस पिनाकी घोष ने भारत के पहले लोकपाल के तौर पर ली शपथ। जस्टिस घोष 2017 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद से हुए थे सेवानिवृत्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी व दिग्गज नेता रहे राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कांग्रेस और समाजवादी दलों पर साधा निशाना। कहा, जिस गैर कांग्रेसवाद के लिए लोहिया जीवन भर लड़े, आज उसी के साथ ही उन्होंने महागठबंधन किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 36 घंटों में 8 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल सज्जाद खान को दिल्ली से पुलिस बलों ने किया गिरफ्तार। वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के पायलटों ने प्रधानमंत्री और नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु से कंपनी को बचाने के लिए जल्द कदम उठाने की मांग। कांग्रेस ने अभिनेता व पूर्व सांसद राज बब्बर को फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट से दिया टिकट। उम्मीदवारों की सातवीं लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस ने 35 उम्मीदवारों की घोषणा। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के शीघ्र प्रत्यार्पण की कोशिशें तेज। विदेश मंत्रालय ने कहा, नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के लिए भारत सरकार है प्रतिबद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच रिपोर्ट विशेष वकील रॉबर्ट मूलर ने 22 महीनों की जांच के बाद अमेरिकी न्याय विभाग को सौंपी। अब खबरें खेल जगत से। T20 क्रिकेट के महाकुंभ IPL के 12वें संस्करण में आज शाम चेन्नई में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की टीमें होंगी आमने सामने। IPL से पहले मुंबई इंडियंस को लगा झटका। वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लक्ष्य के चलते स्टार श्रीलंकाई गेंदबाज लसित मलिंगा शुरुआती 6 मैचों में नहीं खेलेंगे।